एडवांटेज इलेक्ट्रिसिटी मिक्स पा के पास अभी के लिए। बिल्कुल देखना पड़ेगा एक्सपा के इस एडवांटेज को किस तरह से यूज कर पाती है, बट वहीं अगर गॉडलाइक की बात की जाए, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, छह फिनिशर्स निकाल चुके हैं, फॉर्म में गॉडलाइक देखने को मिलती है और उनके अपोनेंट ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी के लिए खत्म हो चुके हैं, तो यहां पे उनको चाहिए बहुत ज्यादा अंक और ये जो टीपीपी एडवांटेज था लाजवाब। ओह बॉय, लुक एट दैट फरारी पीक, लुक एट दैट एडवांटेज, एस पावर इज शोइंग हिज मैच्योरिटी नाउ। हम कहते तो है कि यार ये छोटा प्लेयर है, अभी 16 साल का है, बट ये पावर बहुत रखता है, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम सुपर पावर ऑफ टीम गॉडलाइक। जी हाँ, तीन टीमें, नौ प्लेयर्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। गॉडलाइक क्लच गॉड यहाँ पे नॉकआउट है, रिवाइवल दे दिया जाएगा, टॉप तीन टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं। एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सर्कल की, सिर्फ एक प्लेयर आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर, वो भी टीम एक्सपाक का है, बाकी प्लेयर सर्कल के बाहर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एंड 7C के प्लेयर तो सर्कल के बाहर से डैमेज लेते आते हैं, उनको अभी कंफर्मेशन आ जाएगा। नाउ इट इज अ सेट फॉर द टू टीम्स, 4v4 की फाइट, एक पूरी की पूरी टीम फाइट है ना, आई एम प्रीटी श्योर कि हर कोई इस फाइट को देखना चाहेगा। क्लच गॉड सर्कल के बाहर थे, उनका फिनिश निकालेंगे स्काउट, वो सर्कल के अंदर जा रहे हैं, सर्कल डैमेज इनको भी देने वाला है, गन पीछे रख के एकदम सर्कल निकल चुके हैं, बट जब वो निकलेंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे, इनके लिए भी दिक्कतें होंगी, सर्कल के बाहर मत रुकिए, वरना ये चीज बहुत ज्यादा दुखदायक होने वाली है, because he is not having the focus, but what he is doing is he's risking his life of the finishes and actually एक प्लेयर को डाउन किया, खुद भी नॉकआउट होंगे, बट एक ओपनिंग बना चुके हैं, हिम्मत इज मूविंग फॉरवर्ड, 420 वो व्हीकल लेके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट इन करना चाह रहे हैं, सर्कल के एक अच्छा एंगल लेना चाह रहे हैं और फॉर्ड लेके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे, 420 पास होगा, स्पेस देंगे, स्पेस देंगे, नियो को टेक डाउन कर देंगे। अब इस पॉइंट से फ्यूल वो आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूल के बाद पूरा मौका लेगा कंफर्मेशन करेगा, नीचे यहां पर बड़े आराम से